सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों से ये सृष्टि पसार होती है। दिस वर्ल्ड पासेस थ्रू फोर एजेस द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज एंड द आयरन एज। जब चारों युग पूरे होते हैं व्हेन द साइकिल ऑफ ऑल द फोर एजेस इज कम्प्लीटेड तो इस सृष्टि पर संख्या बहुत बढ़ जाती है। द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड इंक्रीजेस अलॉट तो ज्यादा संख्या बढ़ेगी तब अशांति होगी। सो विल देयर बी रेस्टलेसनेस व्हेन देयर इज अ ग्रेटर पॉपुलेशन। यह सृष्टि पर जब थोड़ी संख्या थी तब अशांति थी। और वॉज देयर रेस्टलेसनेस इन द वर्ल्ड व्हेन देयर वॉज अ स्मॉलर पॉपुलेशन। है ज्यादा संख्या बढ़ती है तो बहुत अशांति हो जाती है। व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोर देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस। आज दुनिया में हर आदमी अशांत है। टुडे एवरी पर्सन इज रेस्टलेस इन द वर्ल्ड। लखपति करोड़पति अरबपति भी होगा वो भी अशांत है। इवन अ मिलियनर अ मल्टी मिलियनर इज रेस्टलेस। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शासनकर्ता वो भी अशांत हैं। द ग्रेट रूलर्स ऑफ बिग नेशंस आर ऑल्सो रेस्टलेस। सब भयभीत होते रहते हैं पता नहीं दुनिया में कब क्या हो जाए। एवरी वन रिमेन्स अफ्रेड थिंकिंग हु नोज व्हेन एंड व्हाट विल हैपन इन द वर्ल्ड। तो ऐसी अशांति के टाइम पर सो ड्यूरिंग सच अ टाइम ऑफ रेस्टलेसनेस जिसे कहते हैं कलयुग का अंत विच इज कॉल्ड द एंड ऑफ द आयरन एज। तब कलयुग के अंत में वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। इट इज देन दैट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल कम्स टू दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज। और आकर के एंड आफ्टर कमिंग हम बच्चों को अपनी परिचय देता है। ही गिव्स अवर इंट्रोडक्शन टू अस चिल्ड्रन कि तुम आत्मा हो यू आर अ सोल ज्योति बिंदु आत्मा अ पॉइंट ऑफ लाइट्स।